भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 11 जनवरी से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता राज्य के करीब 2.25 लाख बूथों तक घर घर जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी कमान संभाल ली है। आज वो जनता के बीच जनसंपर्क करते नजर आए। इस दौरान सिंह ने बताया कि जन विश्वास यात्राओं के जरिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद अब भाजपा आज से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। देखिए क्या कुछ कहा स्वतंत्र देव सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद और जन समर्थन एक तरह के विशाल रूप लिया और रैलियां भी संपन्न हुई, रोड शो भी हुआ, कार्यक्रम में स्वागत हुए जबरदस्त। उसी के साथ हम लोग मूर्छों के सम्मेलन साथ साथ किए जिसका विश्वास हमें बातचीत की और लोगों का समर्थन। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।